हेलो दोस्तों, अनसॉल्व स्टोरीज में आपका स्वागत है। एरिया 51, यह नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एलियंस, यूएफओ और कुछ ऐसे ही चीज़ें। पर इनकी आखिर क्या सच्चाई है? एरिया 51 में क्या सच में एलियंस आते हैं? क्या सच में यहाँ यूएफओ पर काम किया जाता है? यही सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूँढेंगे। 1950 के दशक में अमरीकी हवाई जहाज़ों ने रशिया पर नज़र रखने के लिए लो फ्लाइंग रेकॉन मिशन कंडक्ट किया था, जिसमें अमरीकी हवाई जहाज़ रशिया के ऊपर से कम ऊंचाई पर उड़ते थे, जिसके कारण अमरीका को हर वक्त हवाई जहाज़ों को मार गिराने की चिंता लगी रहती थी। इसलिए 1954 में अमरीका प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने एक हाई अल्टीट्यूड रेकॉन एयरक्राफ्ट तैयार करने की निर्णय लिया। पर इसी हवाई जहाज़ के टेस्टिंग के लिए अमेरिका को एक ऐसी जगह की तलाश थी जो आम लोगों के और जासूसों के नज़र से दूर रहे, और एरिया 51 इसके लिए एकदम सही जगह थी। एरिया 51 नेवाडा डेजर्ट में ग्रूम लेक पर स्थित है, पर आज तक किसी को नहीं पता इस जगह को एरिया 51 क्यों बोला जाता है। पर थियोरी है जो कहती है कि नेवाडा न्यूक्लियर टेस्ट साइट को कई एरियाज़ में डिवाइड किया गया था, जिसमें से यह एरिया भी एक है। 14 जून 1947 में मैकब्रेजल नामक आदमी ने रॉजवेल से लगभग 30 मील दूर रेगिस्तान में कुछ जलता हुआ देखा, जिसमें कई सारी रबर, मेटल जैसी चीज़ें और कुछ बॉडीज़ भी जल रही थी। पहले तो उसे वह एक प्लेन क्रैश लगा, फिर उसने वह चीज़ें उठा के अपने घर ले गया। दूसरे दिन सुबह उसने अखबार में पढ़ा कि कल रात यूएफओ उड़ता हुआ देखा गया था। यह खबर पढ़ते ही उसने तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उस क्रैश के बारे में बताया। यह सुनते ही उस पुलिस ने यूएस एयरफोर्स को इस बारे में बताया। फिर यूएस एयरफोर्स ने आके वह सारी चीज़ें मैकब्रेजल के घर से ले गए। दूसरे दिन अखबारों ने यह खबर अपने अखबार में डाल दी कि यूएसए गवर्नमेंट यूएफओ के बारे में कुछ छुपा रही है। जब यह खबर ज़्यादा फैल गई तब यूएसए मिलिट्री ने बताया कि वह सिर्फ एक वेदर बलून क्रैश था। इस बयान के बाद यह यूएफओ की बात धुंधला गई और लोग इसे भूलने लग गए। 1980 में दो लोगों ने एक किताब जारी की, जिसमें उन्होंने इस किस्से को फिर से दोहराया और बताया कि गवर्नमेंट एलियंस के बारे में छुपा रही है और उन्हें वहाँ एलियंस भी मिले हैं। यह बात फिर से आग पकड़ने लगी। आखिर 1994 में यूएसए गवर्नमेंट ने बताया वो कोई आम बलून नहीं था, बल्कि वह एक यूएस स्पाई बलून था, जिसको रशिया के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर स्पाई करने के लिए उड़ाया गया था, और जो बॉडीज़ वहाँ मिली थी वो असल में डमीज थे। 1989 में बॉब लज़र नामक आदमी ने कुछ चौंका देने वाले दावे किए, जिसमें उन्होंने एरिया 51 में काम किया है। और ना सिर्फ उन्होंने एलियंस को देखा है, बल्कि उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग में एलियंस एयरक्राफ्ट पर काम भी किया है। लेकिन कई लोगों ने इन दावों को झूठा बताया। 1955 में जब यूएफओ देखे जाने की बात बहुत हवा पकड़ रही थी, तब वो लोग असल में यूटू प्लेन को देख रहे थे। एक आम कमर्शियल प्लेन 10 से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट 40 हज़ार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते थे, लेकिन यूटू एयरक्राफ्ट 60 हज़ार फीट और उससे भी ऊंचा उड़ सकता था। इसलिए जब लोग यूटू को उड़ता हुआ देखते थे तब उन्हें वह यूएफओ जैसा लगता था। मगर यूएस एयरफोर्स को पता था यह यूएफओ नहीं है, लेकिन उन्हें यह बात आम लोगों को बताने की अनुमति नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट लोगों को यह बताती कि यह सिर्फ एक हाई अल्टीट्यूड वेदर रिसर्च है। U2 के बाद F-17, A-12 और टैसेड ब्लू को भी एरिया 51 में टेस्ट किया गया और लोगों का UFO देखा जाना जारी रहा। एरिया 51 की सिक्योरिटी बेहद कड़ी होती है। यह पूरा एरिया इलेक्ट्रिकल फेंस और कई साइनबोर्ड से भरा हुआ है। मेन एंट्रेंस पर भी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, पर इसके बाहर कोई मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं दिखेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर कैमराज आपके सर से लेकर पाँव तक आप पर पूरी तरीके से नज़र रखते हैं, और पेट्रोलिंग वैन यहाँ 24 घंटे घूमते रहती है। अगर आप वहाँ पकड़े गए तो $50,000 का फाइन और जेल भी हो सकती है। एरिया 51 में काम करने वाले कर्मचारी जब भी यहाँ आते हैं, एक सफ़ेद रंग के हवाई जहाज़ से लाए जाते हैं। यह फ्लाइट्स दिन में कई बार यहाँ आती है और यहाँ से जाती है।
जैसे कि हमें पता चल ही गया है कि एरिया 51 बस एक मिलिट्री एयरबेस है और यहाँ कोई एलियंस नहीं है। हमें पता है कि यहाँ जाने की किसी को अनुमति नहीं है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ वॉर वेपन्स की जाँच की जाती है और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेस्ट भी किए जाते हैं। यह कहानी थी एरिया 51 की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।